देखिए, आरएसएस की मुंबई में 3 दिन तक बैठक चली जो खत्म हो गई है। इस वक्त भैया जी जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आरएसएस की तरफ से, और बहुत ही निकट भविष्य में इसकी एक स्कीम बनेगी और इसको हम समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार का निर्णय यहाँ पर हम लोगों ने किया है। ऐसे कुछ बातें जो इस बैठक में और हम लोगों ने विचार किया, जो समीक्षा की, उसके बारे में मैंने आपके सामने बहुत ही ब्रीफ ऐसा एक रिपोर्ट आपके सामने रखा है। आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। एक सवाल भैया जी, ये है कि आपने कहा दिवाली आ गई है, एक माइक दे दीजिए। हाँ, सबको बधाई दीजिए दिवाली की, लेकिन दिवाली में रामलला को लेकर के उत्सुकता तो पूरे देश भर में है। आज अमित शाह भी आए थे बैठक में, रामलाल भी थे, भूपेंद्र यादव भी थे, तमाम सारे लोग थे। रामलला के पास लोग अगर भव्य मंदिर में दिवाली मनाने के लिए साथ जाएंगे क्या? रामलला तो दिवाली के समय में हमेशा ही हम सबके हृदय में रहते हैं। आपके भी हृदय में राम है, कोई अनुभव करता है कोई अनुभव नहीं करता है, पर राम तो सब दूर विराजमान है, लेकिन उसका प्रकट रूप होता है मंदिरों के द्वारा। और इसको लेकर लगभग 30 वर्षों से इस आंदोलन में हम सब लोग उतरे हैं। स्वाभाविक रूप से समाज की अपेक्षा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। कानूनी कुछ बाधाएं अवश्य है और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि न्यायालय इसमें और हिंदू समाज की भावनाओं को समझकर न्याय देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। परंतु न्यायालय की प्रतीक्षा भी काफी लंबी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में विषय आकर भी 6-7 साल हो गए हैं। 2010 में और लखनऊ बेंच का निर्णय आया था, उसके बाद 2011 में अपील हुआ, आज 7 साल हो गए, लंबी प्रतीक्षा की। जब 3 जजों की बेंच बनी तो हमें एक आशा थी कि इसका निर्णय आएगा, पर दुर्भाग्य से वो निर्णय आ नहीं पाया, उसका कार्यकाल समाप्त हुआ। 3 नए नामों की घोषणा न्यायालय ने की और 29 अक्टूबर उसके लिए उन्होंने घोषित भी किया था। हम चाह रहे थे, हम अपेक्षा भी कर रहे थे कि दिवाली के पूर्व कुछ शुभ समाचार मिल जाए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर सुनने से इनकार किया और उसको एक अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। ये न्यायालय का अधिकार है, न्याय में क्या करे वो तो उनका अधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब उनको पूछा गया कि इसके बारे में आप कब बताएंगे, तो जो उन्होंने जवाब दिया कि हमारी प्राथमिकताएं अलग है, इस बात की हम सबको बड़ी वेदना है कि करोड़ों हिंदू समाज के भावनाओं से श्रद्धा से जुड़े हुए विषय को जिस तरह से उन्होंने और जवाब दिया, मैं समझता हूं कि इसमें हिंदू समाज अपने आप को एक अपमानित अनुभव करता है कि करोड़ों के आस्था से जुड़ा हुआ विषय और न्यायालय के प्रायोरिटी में अग्रक्रम में नहीं आ रहा है। यह बहुत आश्चर्यजनक भी है, वेदनाजनक भी है, और उसके कारण हिंदू समाज आज अपने आप को अपमानित अनुभव करता है। हम न्यायालय से विनती करते हैं कि इस विषय को इस तरह से न लेते हुए पुनर्विचार इन सब बातों पर करें और इतने लंबित मामले को जो कई प्रकार की संवेदनाओं को जन्म देता है, ऐसे विषयों को, ऐसे संवेदनशील मुद्दों को अगर अग्रक्रम में नहीं लेंगे तो कौन से विषय अग्रक्रम में लेने वाले हैं, ये प्रश्न हमारे सामने है। और इसलिए न्यायालय से हम सब अपेक्षा करते हैं
कि वो इस विषय को फिर एक बार पुनर्विचार करे, उन्होंने कही हुई बातों पर यही अपेक्षा। भैया जी, संविधान के हिसाब से आप न्यायपालिका पे विश्वास करेंगे या भावनाओं के सदस्यों पर संख्या चाहते हैं? देखिए, दोनों बातें हैं। हमने कभी भी न्यायालय के निर्णयों की कोई उपेक्षा नहीं की है। हम संविधान का सम्मान करने वालों में से है। न्यायालय का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज की भावनाओं को भी सम्मान करे, ये अपेक्षा है। हम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में हम कुछ कह नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि न्यायालय इसको प्रायोरिटी पर ले, यही हमारी मांग है। कानून बनाने की, कानून और अध्यादेश दोनों। देखिए, कानून बनाए अध्यादेश की मांग करे, ये तो जिन्होंने की है उनका अधिकार है, वो कह सकते हैं। अगर और कोई विकल्प नहीं बचता है तो इस विकल्प पर विचार सरकार को आज नहीं कल कभी न कभी करना पड़ेगा, लेकिन कब करना ये उनका अधिकार है, सत्ता में बैठे हुए। मैंने कहा कि जिन्होंने इस प्रकार की मांग उठाई है वो इस अध्यादेश को अगर लाएंगे, उन्होंने तो अभी निर्णय तो नहीं किया है कि हम लाएंगे, वो मांग कर रहे हैं, मैं करूंगा, जब करेंगे तब देखेंगे इसके बारे में क्या करना है, आज क्या कह सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर पर आरएसएस की तरफ से बयान देकर साफ किया गया है कि न्यायालय से उम्मीद कि न्यायालय इस लंबित और संवेदनशील मुद्दे को प्राथमिकता दे। हम फौरन लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।